सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। डॉक्टर इकबाल जर्मनी से डॉक्टरी पढ़े हुए आदमी थे, लेकिन उस शख्स का कुरान पढ़ने का मिजाज ये था कि जब वो कुरान रात को पढ़ते थे तो इतना रोते थे कि सुबह को जो उनके आंसू मुसहफ़े कुरान पे गिरते थे तो धूप निकलने के बाद वो कुरान की औराक सुखाने के लिए उनके घर वाले रख दिया करते थे। इकबाल की शायरी में जो चाशनी है वो कुरान की बरकत है, वो दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। डॉक्टर इकबाल ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा था कि तुमने कुरान से मरना सीखा है, मरना, काश कि तुम कुरान से जीना सीख लेते। भाई मरने वालों के सराहने हम क्या पढ़ते हैं? सूरह यासीन पढ़ते हैं। और अकीदा क्या है? हदीस भी है कि जो शख्स सकरात वालों के पास कुरान पढ़ेगा तो मौत की तकलीफ आसान हो जाएगी। तो जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, क्या उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफें आसान नहीं हो सकती? मौत की तकलीफ मुश्किल है या जिंदगी की तकलीफ मुश्किल है? मौत की तकलीफ ज्यादा है, जिंदगी की तकलीफ की कोई हैसियत नहीं है। तो फरमाया कि इकबाल कहते हैं कि तुमने कुरान से मरना सीखा, तुम कुरान से जीना सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। तो सहाबा की आदत थी कुरान पढ़ते थे। मौलाना ने अभी, मुफ्ती साहब ने मोबाइल का जिक्र किया, मोबाइल मोबाइल ऐसा घुस गया ये जालिम हमारी जिंदगी में कि इससे कोई बचा नहीं। जैसे पैसे से कोई ना बच सका, अब पैसे के बाद दूसरी मकबूल चीज ये है मोबाइल से कोई नहीं। क्या पंडित, क्या मौलवी, क्या इमाम, क्या लीडर, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, सभी इसमें मुब्तला हो गए। इधर से घंटी बजी टुन, उधर से निकाल करके देखा किसका मैसेज है ना, बेचैन हो जाता है आदमी, किसका मैसेज है? नादान अननोन पर्सन का मैसेज देखने में तुझे इतना शौक और इतनी दिलचस्पी है, कभी खुदा का मैसेज देखने में भी तुझे दिलचस्पी हुई? उसने भी तो कोई मैसेज भेजा है ना, उसका भी तो कोई फरमान है, उसका भी तो कोई हुक्म है, उसी को कुरान कहते हैं। आओ कुरान की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं और दोनों का दामन मजबूती से पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। फरमाया था एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। और ये भी फरमाया था, ये भी कहा था कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। इमाम हुसैन ने करबला में बता दिया कि नाना के फरमान की हक्कानियत क्या है। फरमाया कभी जुदा नहीं होंगे, गर्दन कट गई। हुसैन कुरान पढ़ के बता रहे हैं, लोगों देख लो अभी भी कुरान से हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है। जान से हमारा ताल्लुक कट चुका है लेकिन कुरान से हमारा ताल्लुक अब भी बाकी है। और हुसैन पाक ने कुरान पढ़ा, नेजे पर कुरान सुनाया, तो ये कुरान है। और उनके वालिद तो कैसे कुरान पढ़ते थे, मौला अली कैसे फरमाते थे कि मैं घोड़े की एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया करता। अभी लोग तामक तोइयां कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। फरमान पर सबका यकीन है, फरमान पर सबका यकीन है कि मौला अली ने कहा घोड़े की एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे पर कदम रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं। कैसे? अगर कभी वक्त रहा तो ये राज जरूर बताऊंगा कैसे, लेकिन यहाँ उन्वान कुरान है इसलिए इंशाल्लाह किसी मौके पर मुझे याद दिलाइए जब मौला अली पर गुफ्तगू हो तो बताएंगे कि एक जिन पर कदम रखने के बाद दूसरे जिन पर कदम रखने में कितना टाइम लगता है। कभी घोड़ा देखा है, हैं? उस पर बैठे हो, सुन्नत समझ के कभी बैठना। पहले लोग बारात में बैठते थे, अब बंद हो गया। अगर चालू भी हो जाए तो मुझे कोई नुकसान नहीं, बैंड बाजा बंद करो, घोड़े पे बैठ के जाने में क्या प्रॉब्लम है, हैं? वो तो सवारी है ना, और सुन्नत की नियत से बैठ जाए तो भी सवाब ही मिलना है। घोड़े पे जाना जो वो गलत नहीं है, बैंड बाजे के साथ जाना गलत। अल्लाह का शुक्र हमारे शहर से ये बला खत्म हो गई है।
तो घोड़े पे बिठा के नशी पढ़ते हुए जा सकते हैं। इस नियत से कभी बैठ जाया करो कि मेरे महबूब की सुन्नत है। तो मेरे जैसा सुस्तड़ आदमी घोड़े की एक जिन पे कदम रखने के बाद मुझे दूसरे जिन पे कदम रखने में जितना टाइम लगा था वो 2 से 3 सेकंड थे बस मेरे सुस्त आदमी के लिए। तो मौला मुश्किल कुशा तो बड़े फुर्तीले थे ना, एक हाथ में खैबर उखाड़ा, वो भी सीधे हाथ से नहीं बल्कि दूसरे हाथ से। और कितना था वो खैबर, इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा आला हजरत के वालिद ने लिखा है अपनी किताब में कि उखाड़ करके दूसरे हाथ से जब खैबर फेंका है दरवाजा तो 70 लोग मिलकर उसको उठा नहीं सके। जिसको 70 लोग मिलकर दोनों हाथ से नहीं उठा पाते हैं उसको हुसैन का बाबा अकेले उखाड़ के फेंक देता है। तो कितने फुर्तीले थे ना वो, क्या ताकत थी, क्या चाको चौबंद थे, अलग उनवान है। तो साहबे किराम कुरान पढ़ते थे। हम मोबाइल में बहुत मैसेज देखते हैं थोड़ा, बल्कि मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लो, कुरान मोबाइल में डाउनलोड कर लो, पढ़ो कुरान, कुरान पढ़ो उसकी बरकत मिलेगी। कुरान पढ़ने से बेखौफी पैदा होती है, कुरान पढ़ने से बेखौफी पैदा होती है, कुरान पढ़ने से अल्लाह पर यकीन पैदा होता है, कुरान पढ़ने से ईमान मजबूत होता है, कुरान पढ़ने से इंसान अल्लाह का करीबी बन जाता है, कुरान पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। हर अल्लाह के वली की जिंदगी उठा के देख लो, वो रात को आपको कुरान पढ़ते मिलेंगे। और जब तक हम रातों को कुरान पढ़ते थे उस वक्त तक के हम पर कोई जालिम मुरा मुसल्लत नहीं था, हम सब पर गालिब थे और लोग मगलूब थे। लेकिन जब से हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया अब मगलूब ही होते जा रहे हैं।